इस वीडियो में बात करते हैं डिजिटेलिस की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन हर्ट पे बेहतर तरीके से है, खास तौर से उनके लिए जो दो चार कदम चलते हैं तो छाती में दर्द होने लगता है। दर्द के डर की वजह से वो एक दो कदम भी नहीं चलते, सीढ़ी पर चढ़ते हैं या फिर थोड़ा दूर पैदल चल दिया, दिक्कत बढ़ने लगती है। इस वीडियो में हम लोग डिजिटेलिस का पूरा स्फेयर ऑफ एक्शन समझते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स की ओरिजिन होती है, और अंत में देख लेंगे कि इस डिजिटेलिस को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो डिजिटेलिस है उसका स्फेयर ऑफ एक्शन लीवर पे भी है, और लीवर समझ ही रहे हैं कि डाइजेशन का बेहतरीन इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे लीवर है इस तरह से, ऐसे ये लीवर है, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो खराब पाचन होगा, और खराब पाचन से स्टूल जो पास होगा वो पेस्ट जैसा होगा, स्टूल पेस्ट जैसा पास होगा। इसका मतलब कि जो शरीर का लिए जरूरी कंपोनेंट थे वो सब बाहर निकल रहे हैं, तो खराब पाचन से स्टूल पेस्टी हो जा रहा है, और अगर खराब पाचन से काम के मटेरियल इधर चले जा रहे हैं, पेस्ट जैसे पास हो जा रहे हैं, शरीर से बाहर निकल जा रहे हैं। तो अगर शरीर से बाहर निकल जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, शरीर का पोषण कमजोर हो जाएगा, ठीक से पोषण नहीं होगा तो वीकनेस आएगी। तो यहां से कुछ ऐसा ही है कि जो लीवर में दिक्कत है और उस वजह से काफी दिनों तक, सालों, दो चार सालों तक पाचन खराब रहता है, स्टूल पेस्ट जैसा पास होता है, तो शरीर के लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स है वो बॉडी में लग नहीं पाते, तो कमजोरी है, डेबिलिटी है, और उस कमजोरी की वजह से पेशेंट मूव करता है तो लगता है कि उसका हर्ट रुक जाएगा, थोड़ी दूर पैदल चलता है तो दर्द करने लगता है। तो पेस्ट जैसा स्टूल आ रहा है, लीवर में दर्द कर रहा है, थोड़ा दूर चलते हैं तो बाईं तरफ छाती में दर्द होने लगता है। तो अगर ऐसा स्फेयर ऑफ एक्शन है तो आप समझ लीजिए कि आप डिजिटेलिस के डोमेन में हैं। इनलार्ज सोर पेनफुल लीवर, लीवर बढ़ा हुआ है, सोरनेस है, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, गैस बनने लगती है, डकार आने लगती है, दर्द करने लगता है, और व्हाइट पेस्टी स्टूल, जो स्टूल जा रहा है व्हाइट पेस्ट जैसा स्टूल जा रहा है, और प्रोस्टेशन फ्रॉम स्लाइट एक्सर्शन, जरा सा भी कुछ काम किया, कुछ लोग तो बैठे बैठे थक जाते हैं, जरा सा भी कुछ काम किया थकान लग जाती है। कारण उसका क्या है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं लीवर की खराबी की वजह से बाहर निकल जा रहा है, तो पोषण खराब हो रहा है, तो शरीर में एनर्जी कहां से रहेगी, तो अत्यधिक प्रोस्टेशन है, स्लाइट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम किया थकान लग गई, या फिर बिना काम किए हुए थक जाते हैं कुछ लोग, और सबसे काम का सेंसेशन देखिए यहां पे लिखा है, सेंसेशन एज इफ हर्ट वुड स्टैंड स्टिल इफ ही मूव, ही या सी दोनों के लिए है, ही या सी मूव करता है, यानी कोई भी मूव करता है तो लगता है कि उसका हर्ट कहीं रुक ना जाए, इसीलिए बैठे रहता है, रेस्ट करना चाहता है, कुछ भी एक्सर्शन काम नहीं करना चाहता। तो अब हर्ट की कमजोरी आ रही है, पहले तो शरीर कमजोर होती है, फिर हर्ट कमजोर हो गई, अब हर्ट की कमजोरी देखिए लिखा है, स्लो वीक इरेगुलर एंड इंटरमिटेंट पल्स, स्लो भी है, कमजोर भी है, और इरेगुलर है, मतलब कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, और यहां पे क्या कि उस ड्यूरेशन के लिए ठीक हो जाती है, फिर कम या फिर ज्यादा होने लगती है। तो इस तरह से कई करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्लो भी है पल्स, वीक भी है, इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, यानी हर्ट के लगभग सभी बीमारियां, और प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ फ्रोथी सलाइवा, जैसे मर्कसाल में है बच्चा सो जाता है तो मुंह से लार जैसा निकल जाता है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, कमजोरी इतनी ज्यादा है कि सलाइवा अपने आप बाहर निकल आ रहा है मुंह में, और उसको बार बार थूकना पड़ता है। प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलाइवा कंपेलिंग टू स्प्लिट ऑल टाइम, इतना ज्यादा सलाइवा निकलता है, सलाइवेशन होता है, कि उसको बार बार थूकते रहना पड़ता है। तो ये भी एक डिबिलिटी है कि शरीर का जो सलाइवा है वो डाइजेशन में यूज होना चाहिए, और वो डाइजेशन में यूज नहीं हो रहा है,
हमेशा ऐसे निकल रहा है, कहीं स्टोर नहीं होगा। अगर स्टोर रहता तो डाइजेशन समय निकलता तो भी डाइजेशन में हेल्प करता। तो प्रोथी सिलेविया इस तरह से अपने आप निकल जा रहा है, बार बार थूकना पड़ता है। और सडन फ्लशेस ऑफ हीट इन क्लाइमेटिक पीरियड, महिलाओं में जब मासिक बंद होने वाला होता है तो उस समय चेहरा तमतमा जाता है, सर में जलन सी होती है, चेहरा तमतमा जाता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हार्ट फ्लशेस। सडन फ्लशेस ऑफ हीट इन क्लाइमेटिक पीरियड फॉलोड बाय ग्रेट डेबिलिटी, यानी जब तेरा चेहरा तमतमा जाता है, पसीना जैसा आ जाता है, उसके बाद फिर थकान सी लग जाती है। यानी यूं समझ लीजिए कि शरीर जरा से भी कोई काम करती है तो शरीर थकने लगती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि काफी टाइम तक लीवर खराब था, लीवर में सोरनेस थी, उस वजह से स्टूल पेस्ट कलर का पास हो रहा था, शरीर में जो कंपोनेंट्स लगने चाहिए थे वो लग नहीं रहे थे, तो पूरी शरीर की व्यवस्था कमजोर हो गई है। ऐसे अवस्था में डिजिटलिस ठीक तरीके से अपना काम करेगी और ये जो समस्याएं हैं उससे आप निजात मिल सकता है। कई लोग लिखते हैं कि वीडियो थोड़ा देर तक छोड़ा जाए, तो आप देख लीजिए जिसको नोट्स बनाना बना सकते हैं, और किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मेडिसिन मिल जाती है। तो लेने का तरीका सिंपल सा है, डिजिटलिस का मदर टिंचर से यूज करें, डिजिटलिस क्यू 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के तीन बार लीजिए, एक महीने तक लेना है। एक महीने बाद इस क्यू की पोटेंसी को क्या कर दीजिए, 30 कर दीजिए। एक महीने बाद क्यू से डायरेक्ट किस पे आ जाना है, 30 पोटेंसी का यूज करना है। तो इसी तरीके से 2-3 महीने आप यूज कर लीजिए, एक महीने इसको, फिर एक महीने इसको, फिर अगली पोटेंसी 200। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उनसे आपको रिलीफ मिलता जाएगा और फाइनली ठीक हो जाएंगे। बेहतर मेडिसिन है, बस इंडिकेटर सिम्टम्स मिलने चाहिए पेशेंट की बीमारी से, तब अच्छा रिस्पॉन्स।